प्रश्न संख्या एक, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ए एटरिस, बी इनियाक, सी टेंडी, डी नावल। सही जवाब ऑप्शन बी इनियाक। प्रश्न संख्या दो, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949, बी 1951, सी 1946, डी 1947। सही जवाब ऑप्शन सी 1946। प्रश्न संख्या तीन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ए 1977, बी 2000, सी 1955, डी 1960। सही जवाब ऑप्शन डी 1960। प्रश्न संख्या चार, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। सही जवाब ऑप्शन बी संगणक। प्रश्न संख्या पांच, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी 2 दिसंबर। सही जवाब ऑप्शन डी 2 दिसंबर। प्रश्न संख्या छह, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या सात, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी बेडू, डी वॉलफ्रम अल्फा। सही जवाब ऑप्शन डी वॉलफ्रम अल्फा। प्रश्न संख्या आठ, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या नौ, किलोबाइट के बी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 10, मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 केबी, बी 1024 एमबी, सी 1024 जीबी, डी 1024 टीबी। सही जवाब ऑप्शन ए 1024 केबी। प्रश्न संख्या 11, गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 केबी, बी 1024 एमबी, सी 1024 जीबी, डी 1024 टीबी। सही जवाब ऑप्शन बी 1024 एमबी। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। सही जवाब ऑप्शन डी सिलिकॉन से। प्रश्न संख्या 13, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हिपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही जवाब ऑप्शन डी हिपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 14, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। सही जवाब ऑप्शन सी लोगो। प्रश्न संख्या 15, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ए मेनफ्रेम फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी पे डी ए। सही जवाब ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 16, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वे निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। सही जवाब ऑप्शन डी
कोडांतरण से मशीन तक। प्रश्न संख्या 17। मल्टीप्रोसेसिंग होती है। ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। सही जवाब ऑप्शन सी सीडी रोम। प्रश्न संख्या 19। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक लॉजिक। सही जवाब ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। प्रश्न संख्या 20। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन बी रजिस्टर। प्रश्न संख्या 21। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। सही जवाब ऑप्शन सी एएलयू। प्रश्न संख्या 22। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। सही जवाब ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 23। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है। ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रश्न संख्या 24। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 25। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ए डेटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना, डी डेटा को स्टोर करना। सही जवाब ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। प्रश्न संख्या 27। परिचालन संपन्न करता है। ए एल्गोरिथम, बी अर्थमेटिक, सी एसआई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अर्थमेटिक। प्रश्न संख्या 28। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी रैम। सही जवाब ऑप्शन सी सीपीयू। प्रश्न संख्या 29। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ए इनर टेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। सही जवाब ऑप्शन डी सीपीयू। प्रश्न संख्या 30। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य है। सही जवाब ऑप्शन बी माइक्रोचिप। प्रश्न संख्या 31। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। ए मेमोरी, बी डेटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। सही जवाब ऑप्शन सी आउटपुट। प्रश्न संख्या 32। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी
सीपीयू द्वारा। प्रश्न संख्या 33। प्रोसेस डेटा को कहते हैं। ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। सही जवाब ऑप्शन बी प्रोसेस। प्रश्न संख्या 34। सीपीयू का मुख्य घटक है। ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 35। कंप्यूटर की क्षमता है। ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। सही जवाब ऑप्शन सी सीमित। प्रश्न संख्या 36। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। सही जवाब ऑप्शन बी कृत्रिम। प्रश्न संख्या 37। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। सही जवाब ऑप्शन ए सामान्य। प्रश्न संख्या 38। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी मानव मन। प्रश्न संख्या 39। ई डी पी क्या है। ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्क, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सही जवाब ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रश्न संख्या 40। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। प्रश्न संख्या 41। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। सही जवाब ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न संख्या 42। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। सही जवाब ऑप्शन सी सीपीयू। प्रश्न संख्या 43। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशंस। सही जवाब ऑप्शन बी इनपुट। प्रश्न संख्या 44। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सही जवाब ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न संख्या 45। आत्म क्या होता है। ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने। प्रश्न संख्या 46। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य है। सही जवाब ऑप्शन बी डेटा। प्रश्न संख्या 47। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 48। प्रथम गणना यंत्र है। ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबैकस, डी घड़ी। सही जवाब ऑप्शन सी अबैकस। प्रश्न संख्या 49। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल, डी पुस्तक प्रकाशन। सही जवाब ऑप्शन सी खेल। प्रश्न संख्या 50।
किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ए जॉन माउकली, बी ब्लेज पास्कल, सी हावर्ड आइकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल। प्रश्न संख्या 51। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ए जैकवार्ड, बी पावरस, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? ए जॉन माउकली, बी जैकवार्ड, सी चार्ल्स बैबेज, डी ब्लेज पास्कल। सही जवाब ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। प्रश्न संख्या 53। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी नोटबुक। सही जवाब ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 54। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। सही जवाब ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 55। क्रे क्या है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। सही जवाब ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 56। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। सही जवाब ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। प्रश्न संख्या 57। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ए 1981, बी 1980, सी 1976, डी 1995। सही जवाब ऑप्शन सी 1976। प्रश्न संख्या 58। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी बुद्ध कंप्यूटर। सही जवाब ऑप्शन बी सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 59। सी डी से आप क्या कर सकते हैं? ए पढ़, बी लिख, सी पढ़ और लिख, डी या तो पढ़ या लिख। सही जवाब ऑप्शन सी पढ़ और लिख। प्रश्न संख्या 60। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। प्रश्न संख्या 61। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ए मेमोरी, बी इनपुट डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस, डी माइक्रो प्रोसेसर। सही जवाब ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 62। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। सही जवाब ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। प्रश्न संख्या 63। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। सही जवाब ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 64। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी यूनान। सही जवाब ऑप्शन सी चीन। प्रश्न संख्या 65। आईएमएसी एक प्रकार का है? ए मशीन, बी प्रोसेसर, सी प्रोग्राम, डी रजिस्टर। सही जवाब ऑप्शन ए मशीन। प्रश्न संख्या 66। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ए जी एकल, बी ए वालावलेस, सी चार्ल्स बैबेज, डी सीमेन कोर्साकोव। सही जवाब ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। प्रश्न संख्या 67। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था?
ए जोसेफ मेरी, बी चार्ल्स बेबेज, सी जॉन माउकली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए जोसेफ मेरी। प्रश्न संख्या 68। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए चार्ल्स बेबेज, बी जोसेफ जैक्यूर्ड, सी ब्लेज पास्कल, डी वॉन एमान। सही जवाब ऑप्शन डी वॉन एमान। प्रश्न संख्या 69। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ए चार्ल्स बेबेज ने, बी सी वी रमन ने, सी रॉबर्ट नायक ने, डी जे एस किल्बी। सही जवाब ऑप्शन डी जे एस किल्बी। प्रश्न संख्या 70। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम पेरोक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 71। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए मापन, बी गणना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। सही जवाब ऑप्शन बी गणना। प्रश्न संख्या 72। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी सीडैक, डी बार्क। सही जवाब ऑप्शन सी सीडैक। प्रश्न संख्या 73। निम्न में से तेज कौन सा है? ए रजिस्टर्स, बी सीडी राम, सी रैम, डी कैश। सही जवाब ऑप्शन ए रजिस्टर्स। प्रश्न संख्या 74। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेशिनियाक को बनाया था? ए वॉन ईमान, बी प्रेस पर एकर्ट और जॉन मोशले, सी जोसेफ मेरी, डी चार्ल्स बेबेज। सही जवाब ऑप्शन बी प्रेस पर एकर्ट और जॉन मोशले। प्रश्न संख्या 75। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी माउस। सही जवाब ऑप्शन ए प्रिंटर। प्रश्न संख्या 76। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ए 16, बी 12, सी 19, डी 14। सही जवाब ऑप्शन बी 12। प्रश्न संख्या 77। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। सही जवाब ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। प्रश्न संख्या 78। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी जॉयस्टिक, डी मैग्नेटिक डिस्क। सही जवाब ऑप्शन ए मॉनिटर। प्रश्न संख्या 79। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ए जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी डार्ट प्रिंटर। सही जवाब ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। प्रश्न संख्या 80। एल सी डी का पूरा नाम क्या होता है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। सही जवाब ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रश्न संख्या 81। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम, डी राम। सही जवाब ऑप्शन ए मॉनिटर। प्रश्न संख्या 82। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी जॉयस्टिक। प्रश्न संख्या 83। CTRL, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ए फंक्शन, बी मोडिफायर, सी अल्फान्यूमेरिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी मोडिफायर। प्रश्न संख्या 84।
अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ए बारकोड्स, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस, डी कोड। सही जवाब ऑप्शन ए बारकोड्स। प्रश्न संख्या 85। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रश्न संख्या 86। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। सही जवाब ऑप्शन डी टच स्क्रीन। प्रश्न संख्या 87। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क ड्राइव, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। प्रश्न संख्या 88। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ए हॉरिजॉन्टली, बी डायगोनली, सी जिगजैग, डी वर्टिकली। सही जवाब ऑप्शन बी डायगोनली। प्रश्न संख्या 89। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस है? ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। सही जवाब ऑप्शन डी स्कैनर। प्रश्न संख्या 90। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ए विलियम इंग्लिश, बी डगलस एंजेलबर्ग, सी रॉबर्ट जवाकी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी डगलस एंजेलबर्ग। प्रश्न संख्या 91। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? ए CPU, बी रैम, सी राम, डी CD-ROM। सही जवाब ऑप्शन बी रैम। प्रश्न संख्या 92। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ए बाहरी, बी भीतरी, सी सहायक, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन बी भीतरी। प्रश्न संख्या 93। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी वोलाटाइल, डी ए एवं बी। सही जवाब ऑप्शन ए एक्सटर्नल। प्रश्न संख्या 94। रैम और एएम किस तरह की मेमोरी है? ए बाहरी, बी सहायक, सी भीतरी, डी मुख्य। सही जवाब ऑप्शन डी मुख्य। प्रश्न संख्या 95। निम्न में से कौन रैम नहीं है? ए प्रैम, बी ड्रैम, सी फ्लैश, डी SRAM। सही जवाब ऑप्शन ए प्रैम। प्रश्न संख्या 96। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ए कैश, बी राम, सी फ्लैश, डी बफर। सही जवाब ऑप्शन ए कैश। प्रश्न संख्या 97। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ए वर्चुअल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी प्राइमरी। प्रश्न संख्या 98। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ए रैम, बी फ्लॉपी, सी CD, डी डिस्क। सही जवाब ऑप्शन ए रैम। प्रश्न संख्या 99। सी डी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ए प्रोजेक्ट डिस्क, बी ऑब्जेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। प्रश्न संख्या 100। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? ए ऑप्टिकल, बी मैग्नेटिक, सी मैग्नेटिक, डी पर्सिस्टेंट। सही जवाब ऑप्शन सी मैग्नेटिक। धन्यवाद।